कि जो एक्सपर्ट लिखने वाले हैं उन्होंने लिखने के प्रोसेस के बारे में क्या कहा है हम अपनी तरफ से तो बात कर रहे हैं लेकिन एक नॉवलिस्ट है, भी हैं और इन्होंने एक गाइड टू फिक्शन राइटिंग किताब लिखी है उसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छी किताब लिखी नहीं जाती लेकिन जब दोबारा लिखी जाती है यानी कि रीराइटिंग या एडिटिंग उसकी इतना इंपॉर्टेंट स्टेप और फेज़ है कि उससे वो किताब अच्छी बनती है यानी कि उसकी जो तराश खराश है या उसको जो निखारा जाता है वो रीराइटिंग या एडिटिंग के प्रोसेस में होता है ना कि पहली दफ़ा लिखे जाने में इफ़ आई वेटेड फॉर परफेक्शन आई वुड नेवर राइट अ वर्ड ये मार्गरेट एडवर्ड अगेन वेरी रिनाउंड ऑथर बहुत सी इन्होंने किताबें लिखी हैं तो उनका ये कहना है कि अगर मैं ये सोचती रहती कि परफेक्ट जुमला लिखूंगी तो मैं तो कुछ भी ना लिख सकती तो इसलिए हम सब के लिए इसमें ये इंस्पिरेशन है कि हमें भी जो है हिम्मत करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ लिखना चाहिए स्टीवन किंग हॉरर स्टोरीज के बहुत मशहूर बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं उनका कहना है कैन आई बी ब्लंट ऑन दिस सब्जेक्ट इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड यू डोंट हैव टाइम और द टूल्स टू राइट सिंपल एज दैट उनका यह कहना है कि अगर लिखना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए वक्त निकालें क्योंकि वो आपको वो स्किल देगा और वो टूल्स देगा यानी कि वो हो गई स्टाइल हो गया जुमलों की साख बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने से पता लगेंगी ना कि टिप्स देखने से या ऐसे कहीं उसके बारे में पढ़ने से तो एक्चुअल किताबें अगर आप पढ़ेंगे या ब्लॉग्स या जो भी आपकी दिलचस्पी की चीज़ें उसी से आप अच्छा लिखना और जितना अच्छा लिखा हुआ पढ़ेंगे आप उतना ही अच्छा आप खुद लिख पाएंगे तो ये स्टीवन किंग का कहना है जेके रावलिंग हैरी पॉटर की ऑथर हैं बहुत मशहूर उनका कहना है बी रूथलेस अबाउट प्रोटेक्टिंग राइटिंग डेज डो नॉट के अगर आपका टाइम आपने रखा हुआ है कि इस पर मैंने लिखना है या इन दिनों में मैंने लिखना है तो फिर दूसरों की रिक्वेस्ट या दूसरों के इसरार को रद्द करना सीखें कि अगर कोई क्या कि नहीं, नहीं नहीं ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त आ जाओ इस वक्त इस चीज़ के लिए मिल लो तो इनकार करना जरूरी है हमारे कल्चर में ज़रा इसकी गुंजाइश कम होती है वेस्टर्न कल्चर में ये ज़्यादा आसानी से लोग कर लेते हैं लेकिन हमें भी इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड ऑल्सो लर्न टू से नो जिस वक्त हमें इनकार करना है किसी चीज़ पे उस पर इंकार कर देना चाहिए ताकि हम अपने काम को प्रायोरिटी दे सकें विच इज इम्पॉर्टेंट माया एंजलो अफ्रीकन अमेरिकन पोइटेस हैं बहुत खूबसूरत इनकी पोइट्री है वेरी मच सेलिब्रेटेड और बहुत वेल well रिस्पेक्टेड तो इन्होंने कहा है देर इज़ नो ग्रेटर एगनी देन बेरिंग एन अनटोल्ड स्टोरी इन यू यानी कि एक आपके अंदर एक कहानी है जो कि आप चाहते हैं कि किसी को सुनाएं और उसको अगर आप सुना ना पा रहे हो तो उसकी अपनी एक तकलीफ है और आप इसलिए तो अगर आप लिख रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि उस तकलीफ से निजात पाएं और वो जो आपके अंदर बर्डन है उस कहानी का उसको आप दूसरे तक पहुंचाएं या उस कहानी को शेयर करके अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड करें बेसिकली बट माया एंजलो की पोइट्री आप हाईली रिकमेंड मैं करती हूँ आप लोग जरूर पढ़ें और देखें आप बहुत इंजॉय करेंगे उसको एलिजब्थ गिलबर्ट की नई किताब आई है बिग मैजिक क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में मेरी ये लिस्ट ऑफ़ बुक्स टू रीड के ऊपर है आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा उन्होंने लिखने के बारे में किया और इनकी दूसरी एक बुक इससे पहले आई थी ईट प्रे एंड लव एलिजबेथ गिलबर्ट ये कहती हैं द यूनिवर्स बेरीज स्ट्रेंज जूल्स डी सॉल एंड देन स्टैंड बैक टू सी इफ वी कैन फाइंड दैम तो क्रिएटिव प्रोसेस उन्हीं जूल्स को ढूंढने का नाम है जो कायनात ने हमारे अंदर छुपाए हैं और वो हमने उनको ढूंढ के और फिर तराश के और उनको दुनिया के सामने पेश करना है दीज आर सम कोट्स फ्राम एक्सपर्ट ऑथर्स जिन जो मुझे बहुत अच्छी और प्यारी लगी एंड uh, आप और भी ढूंढ सकते हैं इसके अलावा एंड यू कैन सीक इंस्परेशन फ्राम दैम